नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन हुआ है और अब आया है नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, सुनिए। हरियाणा के लिए 12 विषयों को लेकर चर्चा हुई और सभी 12 विषयों को मंजूरी मिली है। कुरुक्षेत्र बाईपास, लाड़वा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस पर 4 लाइन रोड तैयार होगा। जल्द ही डीपीआर तैयार होकर काम शुरू होगा। फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के अंदर 12 किलोमीटर के पेज को एलिवेटेड बनाने का निर्णय लिया गया। मोहना गांव को जेवर ग्रीन एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा शाहबाद से 4 लेन वाला, पंचकुला से देहरादून हरिद्वार को जोड़ने वाला 4 लेन का भी डीपीआर तैयार होगा। दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से एमजी रोड गुरुग्राम के चौराहे और फरीदाबाद के चौराहे तक डीपीआर बनाने तक के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम फारूक नगर झज्जर कॉरिडोर को जोड़ने का काम का निर्णय किया गया। केएमपी गोहाना सोनीपत हाईवे की तर्ज पर इंटरचेंज का निर्माण करके जम्मू कटरा रोड के साथ जोड़ने की मंजूरी मिली। दिल्ली एयरपोर्ट से जम्मू कटरा एयरपोर्ट जोड़ने की मंजूरी दी गई। धारूहेड़ा के पास फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भी बात हुई, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। हरियाणा के पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर भी काम शुरू होगा, जो डबवाली से पानीपत को जोड़ने का काम करेगा। रिंग रोड हिसार के प्रोजेक्ट के विषय पर चर्चा की, जिसके लिए भी डीपीआर बनाकर तैयार होगा। दोस्तों, फिलहाल असंक में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।